और एक गुड न्यूज है, एक चीज दिखाइयो आकाश। तो अभी आपने देखा इसकी जो एवरेज बिना एसी के, ठीक है, अब एक लीटर डीजल डालूंगा, चलाऊंगा एसी थार में। मतलब क्या ही बोलूं, बरसात हो रही थी, ऐसे मैसेजेस हो कि भाव की थार देती कितना है, देती डीजल पे एवरेज कितना देती है, ठीक है, तो इसका डीजल पे एवरेज दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसके डीजल निकलवाने चलते हैं और फिर एक एक लीटर की दो बोतलें रखेंगे और फिर उसमें से इसका डीजल नापेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ अपनी थार का डीजल निकलवाने। देखो अभी मेरी थार का डीजल निकल रहा है, अभी तो खैर इसमें 4-5 लीटर ही कम ही था क्योंकि मैंने कम डलवाया, मैं वो बताता ऐसी वीडियो बनानी है। तो इसमें पीछे से नट नहीं है तो पीछे से नहीं निकल पा रहा, यहाँ से निकाल रहा है अभी पाइप से। तो अब सीन ऐसा है जैसे अभी मेरा पूरा डीजल पूरी एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है, टंकी, तो मैं ऐसी ऐसी दो बोतल लूंगा, दोनों में एक एक लीटर डीजल भरूंगा, ठीक है, और एक एक बोतल से तो मैं चलाऊंगा विदाउट एसी, उसमें देखूंगा विदाउट एसी कितना ये एवरेज दे रही है थार मेरी, फिर जो दूसरी बोतल होगी उसमें मैं एसी में चलाऊंगा और एसी में देखूंगा कि एवरेज कितना दे रही है, ठीक है। तो गाइस मैंने सारा डीजल निकाल लिया, ये देखो इतना सारा डीजल निकला, तो मतलब 10 लीटर के करीब डीजल निकला। तो अब सीन ऐसा है कि डीजल डालेंगे खाली हम 1 लीटर अभी, तो गाड़ी का पूरा डीजल जीरो है अभी इस टाइम, मैं आपको दिखा दूं, ये देखो सुई बिल्कुल एम्प्टी पे है और अभी सेल्फ लेंगे तो स्टार्ट भी नहीं होगी, नहीं हो रही स्टार्ट, तो अभी खाली 1 लीटर डाल रहे हैं हम डीजल। तो अभी 1 लीटर डीजल लगा है और ये पूरा डल गया अभी, तो अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी सेल्फ नहीं लेंगे क्योंकि हवा बढ़ चुकी है, पंप मारेंगे, सेल्फ मारो भाई, स्टार्ट नहीं हुआ अभी भी भाई, पंप मार रहे हैं यहाँ से, प्रेशर बना रहे हैं, होगी होगी होगी, डीजल डल चुका है 1 लीटर, मुबारक हो भाई। तो अभी इसको लेके चलते हैं बाहर और पूरा एवरेज देखते हैं कितना है। 1 लीटर मैंने थार में डाल लिया, 1 लीटर इसमें डलवा रहा हूँ, जब वो खत्म हो जाएगा बिना एसी के तो इसमें से एसी में चला के देखेंगे एवरेज, बाकी सारा डीजल में ले आ रहा हूँ क्योंकि ये जब 1-1 लीटर दोनों खत्म हो जाए ये डाल के पूरा अपना घर निकल लूंगा। सबसे पहले हम जो राइड हो रही है वो हो रही है विदाउट एसी पे, हम देख रहे हैं 1 लीटर में कितना एवरेज देती है, अभी मैं इसकी ट्रिप जीरो कर दूं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो सारे, मैंने ट्रिप अभी जीरो कर दी है इसकी, तो सफर करते हैं चालू मेरे जिगर के छल्लो भाई। मैं फर्स्ट टाइम में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस व्लॉग को लेके, धक्का नहीं मारूंगा मैं, ध्यान धक्का मत मारियो, रेड वेल लाइट पे बंद हो गई ना भाई, भैंस क्या आग लग जानी है, ये तो धक्के से भी नहीं सरकेगी। तो अभी हो गया 1.3 किलोमीटर हो गया, ठीक है, और मैं जो इसको चला रहा हूँ फुल एवरेज निकाल के चला रहा हूँ 20 से 40 के बीच में, 2000 RPM के आसपास, ठीक है। और अभी बहुत गर्मी हो रही है, बहुत धूप हो रही है, बाय द वे मैंने अपनी गाड़ी में नया सांप लगवाया, ये सांप ऐसे ही रहता है, इसकी पूंछ ऐसी लटकती रहती है, देख रहे हो असर, सांप से याद आ गई किसी की, क्या किसकी याद आ गई किसी की, सांप तो मेरा भी लंबा है इस सांप से किसी की याद आ गई, किसकी, अच्छा अच्छा अच्छा, सांप वाले काम जो करता है, सही बात है, एक सांप हमने भी पाला था, हमने और हमें ही डस लिया उसने सांप ने, नहीं अभी ट्रिप में दिखा रहे 5.2 किलोमीटर और थार चल रही है अभी भी एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन में, ना मिसिंग है ना कुछ है, एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है और अभी भी स्पीड देख लो 40 पे ही स्पीड है और 1000 और 2000 के बीच के RPM पे चल रही है, हालांकि सिटी ड्राइविंग है बट अभी दिन हो रहा है, अभी इतना ट्रैफिक नहीं है तो रोड बहुत स्मूथ है। और अभी मेरी थार चल चुकी है 8 किलोमीटर और ये देखो 1000 और 2000 के RPM के बीच में चला रहा हूँ, ज्यादा लोड नहीं दे रहा थार पे और रोड भी एकदम फ्री है, एकदम फ्री, ज्यादा ज्यादा ब्रेक लग रहे हैं, तो मतलब एवरेज अभी मैक्सिमम पे निकल रही है अभी इस टाइम, ये देखो पीछे भी कोई नहीं है और दूर दूर तक शांति शांति है। यार मैं अभी तक सोचता था कि मेरी जो थार है वो देती होगी करीब 10 या मैक्सिमम 11 या हद से ज्यादा हाईवे पे 12 या 13, बट ये सिटी में ही अभी 10 का दे चुकी है, अभी 11 का हो गया मेरे सामने, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई यार थार से। सो गाइस मेरी थार अभी बंद हो गई है, अभी ये बंद हुई है 11.7 किलोमीटर पे, अब देखो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी देखो स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट नहीं हो रही और ये चल भी नहीं रही, साइड में रुक गई है। तो इसका जो कुल मिला के जो एवरेज निकला डिट पे एकदम 12 का निकला है, जैसे आप ये देख सकते हो 12, तो नॉट बैड यार 12 का एवरेज बिना एसी के थार का, और वो भी सिटी में ब्रो, अगर आप जाओगे हाईवे पे
तो ये मोस्ट प्रोबेबली 15 तक का तो दे ही देगी, जो कि बहुत अच्छी बात है 15 का एवरेज। तो अभी आपने देखा इसकी जो एवरेज बिना एसी के, ठीक है, अब एक लीटर डीजल डालूंगा, चलाऊंगा एसी थार में और देखते हैं कि एसी पे कितना एवरेज देती है थार। तो डालते हैं एक लीटर डीजल अभी इसमें, तो पहले स्टार्ट करके देख लूँ कि पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ना हवा बढ़ जाती है अगर डीजल, तो आगे से पंप मारना पड़ेगा। मार सर, हल्का सा मारियो, बस बंद कर दे। क्यों? तो हमारी थार स्टार्ट हो गया, तो चलो फटाफट एवरेज देखते हैं। तो अभी ट्रिप 12 पे थी, अब इसको दोबारा जीरो पे कर देते हैं। ये देखो अब दोबारा जीरो पे हो गया। चलाते हैं एसी फुल पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे चलाए। सो अपनी थार निकल चुकी है, तो अभी फुल स्पीड पकड़ लिया थार ने और एसी एकदम चिल्ड कर रहा है। मेरी थार का ये है कि मैंने अपनी थार का ना हीटर बंद करवा दिया और सारा का सारा लोड एसी पे करवा दिया हीटर बंद करवा के, तो जो मेरा एसी है बहुत ज़्यादा चिल्ड करता है, मतलब एक नंबर पे दिन पे ऐसा करता है, एक नंबर पे भी नहीं चला सकता। मैं थोड़ी देर चलाता हूँ फिर ऑफ करता हूँ, तो मेरी थार का एसी बहुत ज़्यादा चिल्ड है, जो भी बैठता है तारीफ करता है। तो मेरी थार ने अभी कर लिए हैं पूरे 2 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, ठीक है, और अभी भी स्पीड देख सकते हो 40 पे चल रही है और 1000 से 2000 RPM। और जो मैंने सेम चलाई थी विदाउट एसी, तो सेम कंडीशन है अभी, रोड खाली। और एक गुड न्यूज़ है, एक चीज़ दिखाइए आकाश, इतनी सी झलक काफी। अगर आप मेरी मर्च देखना चाहते हो या खरीदना चाहते हो तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ कि मर्च मैं निकालूं, और निकालूं तो क्या क्या निकालूं, शर्ट निकालूं, हुडी निकालूं, मतलब आपको क्या लेना पसंद है, ठीक है, क्या लेना चाहोगे अगर मेरी वेबसाइट पर आती है। तो अभी भी बिल्कुल स्मूथ चल रही है गाड़ी, खैर गाड़ी तो स्मूथ ही चलेगी, बट अभी देखते हैं। मैं एसी पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 10 तो देगी, 10 से कम नहीं देगी, अब देखते हैं क्या है कि नहीं। सो अभी प्रॉपर 8 किलोमीटर हो चुके हैं और गाड़ी में कोई मिसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया चल रही है थार और मस्त चल रही है, और एसी भी फुल पावर ठंडा कर रहा है कि नहीं भाई? ठंडा तो कर रहा है, एकदम चिल्ड। भाई मैं एक एवरेज के अलावा भी बता दूं, जो थार है ना बहुत बढ़िया गाड़ी है, मतलब मैं आगे फ्यूचर में भी इसके भी जितने भी नए मॉडल होंगे सब खरीदूंगा मैं, और इसको भी बेचूंगा नहीं, मतलब थार में जहाज, मतलब मेरे पे चाहे BMW भी हो गया ना, एक थार जरूर गराज में रखूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मतलब थार ऐसी गाड़ी है ना, एक बार चला लोगे ना BMW भी ना भूल जाओगे। और मैंने ये रोड पे देखा है इनफैक्ट, चाहे बगल में BMW खड़ी हो, चाहे ऑडी खड़ी हो, चाहे कोई भी खड़ी हो, लेकिन लोग मुड़ के अपनी थार को देखते हैं, वाह नहीं, और 1000 चीज पूछते हैं भाई अलॉय कहाँ से लगवाया और ये कहाँ से लगवाया। अभी सनरूफ की कंप्लेंट आ रही है भाई, सनरूफ लगवाओ, तो अभी थार में अपनी सनरूफ लगवाऊंगा मैं। वाओ, तो अभी भाई 9.7 किलोमीटर हो गई है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे को उम्मीद है 10 पार कर दे भाई, मतलब मजा आ जाएगा बहस किया। तो अभी भी एकदम मक्खन चल रही है, ना मिसिंग है गाड़ी में ना कुछ है। तो भाई अभी इसने क्रॉस कर लिया है 10.7 किलोमीटर, मेरे को अब लग रही है थोड़ी दबी दबी सी लग रही है, इसके सुपर चार्जर काम नहीं कर रहे हैं और अभी ज्यादा उठ रही लोड नहीं ले रही है, मेरे को लग रहा है बंद हो जाएगी। और अभी हो गया एकदम 11 और अभी भी मक्खन चल रही है एकदम, और फुल एसी पे चल रहा है अभी भी, है ना नहीं? अल्लो भाई ये 12 पार कर गई है, तो भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये तो एसी पे ज्यादा देगी अपनी धार भाई। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि जो मैंने विदाउट एसी चलाई थी उस टाइम पे थोड़ा ट्रैफिक था, इसलिए थोड़ा कम एवरेज खींच के दिया, अभी क्या ट्रैफिक कम है, लेकिन अभी खुला दे रही है, ऊपर भी चढ़ाई थी, ऊपर भी चढ़ाई थी। तो फिलहाल थार बंद हो गई है और अभी इसने एवरेज दिया है 12.7, ये देख रहे हो अपने आप चले जा रही है और बंद हो गई है, ये देखो पूरी थार बंद हो गई और एग्जैक्ट जो इसका निकला है 12.9 अप्रोक्स 13 हो गया, तो थार इस टाइम यहाँ पे रुक गई है, और जो इसका एवरेज निकला है वो एग्जैक्ट 13 निकला है, 13 जो कि नॉट बैड है यार। जो हमने एसी पे चलाई थी उसमें 12 आया था जहां तक मेरे को अभी मेरे को लग रहा है, क्योंकि हम उस सर्विस स्टेशन से निकले तो हमने ऊपर चढ़ाई थी थोड़ी, थोड़ा स्टार्ट करने में लग गया था, तो वहां पे थोड़ा डीजल वेस्ट हो गया था, और जब मैं वहां से लाया था तो उस जगह के जहां सर्विस स्टेशन वहां थोड़ा ट्रैफिक था, तो मतलब वहां पे थोड़ा डीजल ज्यादा एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया, बट जो एसी पे चलाई है मैंने रखी थी हमने, हाँ थोड़े वहाँ स्टार्ट करके रखी थी, तो मतलब बिना एसी के मेरे जो दिमाग में वो 14 के आसपास देगी, और एसी में आपका ये 13 के आसपास दे रही है, जो कि बहुत बेहतरीन है भाई, बहुत बेहतरीन 13 के आसपास, मतलब मैं तो दीवाना हो गया यार थार का। तो अभी ये पूरा टेस्ट खत्म हो गया, मैं पूरा डीजल डाल लूँ घर पहुंचूं। वो तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, मुझे लगा कुछ आपको वीडियो काफी पसंद आया, कुछ नया कॉन्सेप्ट था, आप में से काफी लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने आपके कहने पे ये वीडियो बनाई स्पेशली, तो मुझे लगता है आपको काफी हेल्प हुई होगी। और मैंने इंस्टाग्राम पे रात को कुछ चुल करने के लिए कुछ पोस्ट डाले, तो क्वेश्चन आना आंसर कर रहा हूं मैं इंस्टाग्राम पे कि कुछ भी पूछ लो मुझसे, तो इतने फनी फनी आंसर आ रहे हैं, इतने फनी फनी, मतलब मजा आता है मेरे इंस्टाग्राम पे। तो जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा वो फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं कल जैसे हॉरर व्लॉग में डाला, तो आप में से काफी लोग मुझसे कह रहे थे भाई हॉरर व्लॉग की और वीडियो बना, तो मैं कल हॉरर वीडियो भूत पकड़ने नहीं जाऊँ, एक हॉरर प्रैंक करूंगा मैं, जिसमें लोगों को देखता हूँ वो प्रैंक में लोग डरते हैं कि नहीं डरते उस हॉरर प्रैंक से, तो उसकी अपडेट मैं वीडियो व्लॉग डालने से पहले कल रात को इंस्टाग्राम पे आ जाएगी, तो इंस्टाग्राम पे सारी स्टोरी डालूं, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो है यूजर, आप ये देख सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक का, क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें
मस्ती में इंस्टाग्राम पे करता रहता हूँ। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो यही एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, मैं हॉरर प्रैंक की बनाऊंगा, ठीक है, रात को नाइट आउट की। तो वो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब करने लाल कलर बटन दबाओगे, टंग करके दबा देना, उससे क्या होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और सब्सक्राइब करने के बाद ये घंटा दबा देना टंग करके, उससे क्या होगा जब भी मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूं आप पे नोटिफिकेशन आएगी। टिल देन बाय ब्रो। देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की बल्ले बल्ले, देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की बल्ले बल्ले, देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की बल्ले बल्ले, देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की बल्ले बल्ले, देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की बल्ले।